जिस घर में कलश स्थापन हुआ है या जिस घर में वह कलश आया है उस गृहस्वामी की सीधे हाथ की इस उंगली को, यह उंगली बड़ी खतरनाक है, किसी को दिखाओ तो समस्या। ये उंगली जो है ना बड़ी खतरनाक वाली है। तो इस उंगली की, उंगली में तीन धार होती है, एक दो तीन। प्रथम ऊपर वाली जो धार होती गृहस्वामी के उस उंगली के प्रथम खंड के नाप से आम के डंडे को तोड़ना शुरू करें, टहनियों को, एक टूटा, दो टूटा, तीन टूटा, लास्ट में कोई छोटा सा भाग रह जाएगा उसको अलग रख लेना। जितने खंड हुए वो, आम के पत्ते हुए वो, मोली धागा रक्षा सूत्र में बंद द्वार बना लेना है, आम के पत्ते से और उस टहनियों से घर के मुख्य द्वार पर बांध देना चाहिए, और तब तक बंधा हुआ रहे जब तक दोबारा आपको कलश से आम का पत्ता प्राप्त नहीं। तो घर में किसी भी प्रकार का, बाहर का टोना टटका और अलग अलग जो मन में विचार आए हैं, वह गलत दृष्टि, कुदृष्टि आदि घर पे प्रवेश नहीं करता। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है, पीड़ित है, कष्ट अधिक पा रहा है, तो उसको उसके कक्ष के दरवाजे बांध दो। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके रोग में शांति प्राप्त होगी, व्याधियां कम होंगी। और कई तो ऐसी स्थितियों को देखा है कि रोग ठीक हो जाता। एक ने इसी प्रकार बताया, 15 साल तक पुत्र नहीं हुआ, भगवान शिव की कृपा से उस बंद द्वार को उन्होंने अपने बेडरूम में लगाया बाहर की तरफ, और 16वें साल भगवान शिव की कृपा से पुत्र भी हो गए। इसलिए आम के उस कलश में लगे हुए आम के पत्ते बंद द्वार का विशेष महत्व है। इसलिए यह आम के पत्ते आदि के विषय में